साथियों, ये सरकार गांवों और शहरों में बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी दो बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। गांवों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही है और शहरों में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम यानी IPDS। इन दोनों योजनाओं से जुड़ी 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी पिछले 3 सालों में बिजली के वितरण क्षेत्र की योजनाओं के तहत लगभग 22,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। ये राशि पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में उपलब्ध कराई गई राशि से 2 गुना से भी ज्यादा है। भाइयों और बहनों, देश भर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, उसका सीधा असर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी पड़ा है। पावर सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण के मामले में भारत साल में 2015 में 99वें स्थान पर था, 99 पर, जबकि अब उसकी रैंकिंग 26 हो गई है। आप कल्पना करिए कहां 99 और कहां 26। इतना बड़ा उछाल इस सेक्टर को सुधारने में लगे लोगों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। पावर सेक्टर में भारत के कार्यों पर एक और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से पॉइंट किया गया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने पिछले साल रात में अंतरिक्ष से भारत का एक चित्र लिया था। इस चित्र में भारत जगमगा रहा था, आप इस चित्र में देख सकते हैं। एक चित्र 2012 का है जिसमें अंधेरा नजर आता है और दूसरा पावर सेक्टर की अलग कहानी दिखाता है जो 2014-15 में लिया गया, 16 का है, 2016 का ही चित्र है। साथियों, ये सरकार पावर सेक्टर को मजबूत करने के साथ ही इस बात पर भी जोर दे रही है कि पावर की डिमांड कम करने वाले आधुनिक तरीकों को अपनाया जाए। ये आधुनिक तरीके बिजली तो बचाते ही हैं, लोगों को बिजली का बिल भी कम करते हैं। सरकार के प्रयास की वजह से LED बल्ब, और ये आंकड़ा याद रखिए, LED बल्ब जो फरवरी 2014 में, मैं 2014 मई में आया हूं, फरवरी 2014 में LED बल्ब की कीमत थी 310 रुपया और आज सितंबर 2017 में उसकी कीमत है 40 रुपया। उजाला योजना के तहत अब तक देश में 26 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। इससे लोगों को बिजली बिल में सालाना 13,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित बचत उनके परिवारों में हुई है। 13,700 करोड़ रुपया बचना, कितनी मेगावाट बिजली बची अंदाज लगा सकते हैं आप? उसको लगाने में कितनी लागत होती वो बच गई, यानी देश की इकोनॉमी को किस प्रकार से चलाया जा सकता है, इसका ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। प्राइवेट सेक्टर ने भी 41 करोड़ से ज्यादा LED बल्बों का वितरण किया है। इसके अलावा सरकार द्वारा बिजली बचाने वाले लगभग 13 लाख पंखे और 33 लाख से ज्यादा ट्यूबलाइटों का भी वितरण किया गया है। विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम के तहत 33,60,000 से ज्यादा LED स्ट्रीट लाइटें भी अब लग चुकी हैं। साथियों, पारदर्शिता और जवाबदेही इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश के आम नागरिक, देश का गरीब, देश का हर उपभोक्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। उनसे हर स्तर पर सुझाव लेना और उन्हें कार्यों की जानकारी देना, दोनों को ही लेकर सरकार बहुत गंभीर है। मोबाइल ऐप,
वेब पोर्टल डैशबोर्ड के जरिए योजनाओं की प्रगति को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं।